हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 ऑफ क्लास 11th ऑफ एनसीईआरटी मैथ। चलिए, जो 9.2 में जो कंसेप्ट आएंगे आपके पास, थोड़ा सा उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एपी। एपी इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? आप पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हो, 10th क्लास में आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। यानी एपी क्या बना, अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं किसी भी सीक्वेंस, तो वहाँ से हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए उनका डिफरेंस। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 अप टू 100, ये हम सीक्वेंस ले लेते हैं नंबर ऑफ ओड नंबर। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स हमने लिए यहाँ पे। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? चेक कैसे करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ अप टू 100 चलता रहेगा। तो अभी हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। तो टू कंसेक्यूटिव में हमने उठा लिया फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, a2 - a1, 3 - 1 = 2। फिर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं, a3 - a2, दिस इज 5 - 3 = 2। देन कंसेक्यूटिव टर्म थर्ड और फोर्थ लेंगे, a3 = 7 - 5 = 2। देन दिस इज एन एपी, दिस प्रोग्रेशन becomes an AP because difference between two consecutive terms is same, which is 2। ठीक है, तो ये आपके पास AP बन जाता है। AP में कुछ notations होते हैं, जैसे कि A को हम denote करेंगे first term of an AP, first term of an AP। ठीक है, D is a common difference, common difference of two consecutive terms। ठीक है, मीन्स जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ रहा है, 5 थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे देन 2 आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस हो गया हर एक टर्म का कॉमन, क्योंकि सबका सेम आ रहा है। ठीक है, तो D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, a+n - 1 × d। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP प्रोग्रेशन। ठीक है, ए हमारी फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एन टर्म का मतलब आप किसी भी नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एल इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एन। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ से हमें एग्जांपल के लिए हम ये सी ले लेते हैं AP। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट ले लेते ऑफ फर्स्ट, तो हम 20th कैसे निकालेंगे, an से निकालेंगे। a20 = a+, यहाँ पे हमने कौन सा नंबर बोला, 20th। ठीक है, तो n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मीन्स हम 20 टर्म निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a+n - 1 × d, तो 20 - 1 × d। नाउ यहाँ पे a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, देन a इज इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। ठीक है, d होता है कॉमन डिफरेंस, मीन्स आप माइनस करके देख सकते हो, 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, तो सबका सेम आएगा। ठीक है, तो d हो जाएगा 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + 19 × 2, 1 + 38, दिस इज 39। तो 20th टर्म ऑफ दिस AP इज 39। ओके,
जब अगर लास्ट टर्म की बात करते हैं, इफ दिस एफपी इज इन द फॉर्म 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, हम यहाँ तक ले लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, देन एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 लास्ट टर्म, ठीक है, एंड ए इज अ फर्स्ट टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस व्हिच इज 2। तो इस तरह से हमें देखना है, एल आपके पास लास्ट टर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस एन, एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आपके पास एल गिवन है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है, देन आपके पास फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। एंड अगर एल गिवन नहीं है, देन एस एन क्या बनेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एनएस टर्म में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और मल्टीप्लाई कर देंगे एन बाय टू से, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ओके। अगर आपको इस एपी की टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी 1 + 3 + 5 + 7 up to so on, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है, तो यहाँ पे एस एट निकालते हैं, एट टर्म का सम। 8 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स एन की वैल्यू हो जाएगी 8। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, एन बाय टू ए प्लस एल, ठीक है, एन बाय टू इज 8 बाय टू, फर्स्ट टर्म 1 प्लस एल इज अ लास्ट टर्म 15, इज 4 इंटू 16, 64, तो इन टर्म्स का सम आ जाएगा 64, ठीक है। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो किसी भी एपी का सम आप फाइंड आउट करोगे, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2a प्लस एन माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एस एन, एन आपके पास एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि 30 टर्म्स का सम निकालिए, तो एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए 20 टर्म्स का सम निकालिए, तो 20 टर्म का सम निकालेंगे, तो एन की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन की वैल्यू हम देख सकते हैं कि क्या बनेगी, ठीक है। एन इज अ नंबर ऑफ टर्म्स होता है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। हमें निकालना है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, स्टार्ट होना चाहिए 1 से एंड 2001 पे। बनाइए इसकी वन सीक्वेंस, बनाइए तो क्या आएगा, अभी बस ऑड चाहिए हमें, तो 1 के बाद ऑड नंबर आता है 3, देन 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, लास्ट में हमें क्या कहाँ तक जाना है, 2001 तक, ठीक है। देन इस सीरीज में देखते हैं हम, सॉरी सीक्वेंस में देखते हैं, फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट 1, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस माइनस करके देख लीजिए, 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। दिस इज द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, 2001। हमें इन सारी टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है, यानी आपको फाइंड आउट करना है 1 + 3 + 5 + up to so on 2001। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, हमने एस एन वाला फॉर्मूला किया था लास्ट टर्म जो दे रखी थी, एन बाय टू ए प्लस एन, ठीक है। ये हमने लास्ट टर्म का अगर फॉर्मूला दे रखा है, तो हम कर सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाय टू। अब हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, 1 से स्टार्टेड तो 2001 पे एंड है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एन एस टर्म, एन ए एन क्या होती है, एन एस टर्म, लेट एन एस टर्म इज 2001, दिस इज द एन एस टर्म ऑफ दिस ए पी। ए एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी 2001, एंड ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, ए इज अ 1,
प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज अ टू इक्वल टू वन, एन माइनस वन इंटू टू, वन को इधर ले आइए, 2000, वन माइनस करेंगे तो, एंड एन माइनस वन इज टू से डिवाइड कर देंगे, 100, 1000 आ जाएगा, और एन की वैल्यू आ गई आपके पास 999, ठीक है, सॉरी प्लस कर दिया, ऐड होएगा इधर जाके, 1000 प्लस वन, दिस इज 1001, एन की वैल्यू मिल गई हमें। अब आप सम फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है, 1001 एन की वैल्यू बाय टू इंटू ए के कितना है, वन, एंड एन इज 2001, दिस इज 1001 बाय टू इंटू 2002, कैंसिल हो जाएगा इससे, इसके आप मल्टीप्लाई कर लेना, स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है, तो इसका सम आ जाएगा दिस सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पे आपके पास 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तो यहाँ से क्या बनेगी, अभी 100 से स्टार्ट करना है और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 100 के बाद 5 का मल्टीपल कौन आता है, 105, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, देन 110, 1155, 120 अप टू सो ऑन एंड 1000 तक, इससे पहले वाला, क्योंकि इसके बीच के लेने ना, ना तो आपको 100 लेना है ना आपको 1000 लेना है, क्योंकि बिटवीन दिस नंबर बोला गया है, ओके, तो इससे पहले का नंबर 995 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल क्या होता है, 5-5 का गैप करते जाएंगे हम, मतलब सारे 5 के मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है। हमें सम फाइंड आउट करना है सेम टू सेम तरीके से, सबसे पहले हमें एन पता होना चाहिए, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, देन लेट कर लेते हैं कि एनथ टर्म हमारे पास है 995, दिस इज द एनथ टर्म, ठीक है, देन एन ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ए इज अ फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ए की वैल्यू, ए इज अ फर्स्ट टर्म 105, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, माइनस करेंगे, 5-5 का गैप आना है क्योंकि 5 के मल्टीपल ले रखे हैं, ए इज अ 105 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन हमारा 5 है इक्वल टू 995, 105 को इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, सम क्या क्या लगाना है आपको, एस इसका निकालना है, सम ऑफ 105, 1110 अप टू सो ऑन, इस एपी का सम फाइंड आउट करोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, एन की वैल्यू इससे निकल जाएगी इक्वेशन से, देन फॉर्मूला अप्लाई करोगे एन बाय टू ए प्लस एन, बिकॉज यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एन की वैल्यू आप यहाँ। क्वेश्चन थर्ड, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज टू, फर्स्ट टर्म आपके पास दे रखी है टू, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, स्टार्टिंग की 5 टर्म्स का सम 1/4 है उससे नेक्स्ट जितने 5 टर्म है उनके सम के, शो करना है कि 20th टर्म आपके पास होनी चाहिए -112, देन अब यहाँ पे गिवन क्या है, आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास दे रखा है 2, डी कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास एपी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया डी, अज्यूम कर लेंगे कॉमन डिफरेंस है डी, ठीक है। अभी हमें जो कंडीशन गिवन है वो देखिए, सम ऑफ द फाइव फर्स्ट 5 टर्म्स, एस एन क्या होता है, एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। अगर आपके पास 5 टर्म का सम पूछा जाए तो क्या बन जाएगा, एस फाइव, एस फाइव का मतलब आप स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम कर रहे हो, ठीक है। फिर कहता है कि एस स्टार्टिंग की 5 टर्म्स का जो सम है इज अ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स मीन्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव, ये तो हो गया एस फाइव मीन 5 टर्म का सम, ठीक है। इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी, इससे नेक्स्ट टर्म ए सिक्स
A7, A8, A9, नाइन्थ टर्म एंड टेंथ टर्म। हमें ये दे रखा है कि पांच टर्म का सम 1/4 है नेक्स्ट पांच टर्म, यानी कि इन पांच टर्म के सम के, ठीक है। यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, S5 इज इक्वल टू 1/4 नेक्स्ट फाइव टर्म्स। नेक्स्ट अगर हम टोटल 10 टर्म ले लेते हैं A1 से लेकर A10 तक, तो टोटल 10 टर्म्स के सम को किससे डिनोट करोगे, S10। S10 का मतलब हो गया कि हम 10 टर्म के सम को डिनोट कर रहे हैं, और S10 में से यानी 10 टर्म्स के सम में से अगर हम 5 टर्म के सम को माइनस कर देंगे तो लास्ट के 5 टर्म्स का सम रह जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं S10, 10 सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। समझ में आया कि हमने 10 टर्म को ऐड करके A1 प्लस A2 प्लस अप टू सॉन, 10 टर्म को हमने इकट्ठा सम लिया और इसमें से स्टार्टिंग की 5 टर्म माइनस कर दी तो हमारे पास A6 से A10 टर्म्स का सम रह जाएगा, ओके। तो ये कंडीशन हमने वहाँ से ले लिए, तो S इसको मल्टीप्लाई कर लो, S5 इक्वल टू 1/4 S10 माइनस 1/4 S5। S5 को इकट्ठा कर लीजिए, S5 कॉमन आ जाएगा, इसका मल्टीपल 1 और ये इधर आगे प्लस 1/4 इक्वल टू 1/4 S10। S5 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, Sn किसके इक्वल होता है, Sn इज n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू हमें पता है, d हमने लेट कर यहाँ पे अज्यूम करके चले थे कि कॉमन डिफरेंस हमारा d है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए, n क्या हो जाएगा, n इज द 5 यहाँ पे, क्योंकि 5 टर्म का सम है तो n यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। S5 का लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, 5/2 इंटू 2 इंटू a, दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 इंटू d, डी हमने d ही ले रखा है, और 1 प्लस 1/4 इज एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 5/4। दिस इज इक्वल टू 1/4 S10 का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, n बाय 2 यानी कि 10/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू d। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देन इसके से मल्टीप्लाई कीजिए, 25/2 4 प्लस 5d माइनस, सॉरी 4d कर लो इसको, 5 माइनस इज अ 4 4d, दिस इज इक्वल टू 5, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज अ 9d, ठीक है। 5 से कैंसिल कर देंगे 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 2 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करा दो अंदर, 20 प्लस 20d, 2 हम यहाँ पे ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 प्लस 18d, dd को आप एक साइड लेके जाओगे तो 20d माइनस 18d इक्वल टू 8 माइनस 20, इम्प्लाइज दैट 20 माइनस 18 इज 2d माइनस 12, ठीक है, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस 6, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी। हमें क्या बताना है, 20th टर्म्स हमारे पास ये होनी चाहिए, यानी कि हमें बताना है a20, 20th टर्म फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, n यहाँ पे कितना है 20, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a हमारा यहाँ पे 2 यहाँ पे गिवन है, d हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज 19, d है माइनस 6, माइनस 6 2 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, दिस इज माइनस 112, ठीक है। तो a20 हमने फाइंड आउट किया और कितना आंसर आ रहा है माइनस 112, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि 20th टर्म माइनस 112। फोर्थ इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, ये आपके पास AP गिवन है,
माइनस सिक्स स्टार्ट है, सेकेंड टर्म इज माइनस इलेवन बाई टू, माइनस फाइव अप टू सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ माइनस 25। यानी इस एपी की कितनी टर्म्स का सम करें कि हमारे पास माइनस 25 सम आ जाए। देन हमें क्या गिवन है, एस एन इक्वल टू माइनस 25। हमें निकाला है नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स हमें चाहिए यहाँ से एन की वैल्यू, ठीक है, कितनी टर्म्स का सम होना चाहिए कि हमारे पास सम आ जाए माइनस 25। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 25। एपी से आप a की वैल्यू देख सकते हैं, माइनस 6 है, d इज है सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस इज प्लस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 1 बाय 2, 12 1 बाय 2। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, n बाय 2, n हमें फाइंड आउट करना है, 2 का आप उधर ले जाइए, n इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू a की वैल्यू माइनस 6, तो माइनस 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 1 बाय 2, एंड 2 को हम ले जाते हैं इधर, माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। n इंटू इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज माइनस 24 एलसीएम लेंगे ना, प्लस n माइनस 1 इक्वल टू बाय 2 आ जाएगा, माइनस 50, 2 को उधर ले जाइए तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 100। नाउ n की मल्टीप्लाई कीजिए, 24n प्लस n स्क्वायर माइनस, इसको इकट्ठा कर लीजिए, 24 इज माइनस 25, माइनस 1n माइनस 24, ठीक है, एंड 100 को आप इधर ले आइए, प्लस 100 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से आप फैक्टर बना लीजिए, मल्टीप्लाई 100 आने चाहिए और एडिशन माइनस 25 आने चाहिए, ठीक है। देन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एडिशन 100 प्लस 100 मीन्स अब दो नंबर की और अपने पास एडिशन माइनस के आ रही है, दैट मीन्स दोनों नंबर माइनस के होंगे, ठीक है, 5 इंटू 20 एन स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, n कॉमन n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन n माइनस 20 इक्वल टू 0, n माइनस 20 n माइनस 5 इक्वल टू 0, देन n माइनस 20 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 20 एंड 5। दोनों ही केसेस में या तो n की वैल्यू आप 5 लो या 20 लो, यानी कि या तो हम 5 टर्म का सम फाइंड आउट करें या हम 20 सम लें, 20 टर्म्स का सम लें, तो वो दोनों इक्वल आएंगे, माइनस 25 के इक्वल आएंगे, ठीक है। आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, 3 टर्म्स हैं आपके पास, इससे नेक्स्ट कैसे निकालोगे, माइनस 5 में हम डी ऐड कर देंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर जो फोर्थ टर्म आएगी उसमें फिर से डी ऐड कर देंगे, फिफ्थ टर्म आ जाएगी, उनको ऐड करके देखिए आप, सम आपको माइनस 25 ही आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, इन एन ए पी इफ पी एस टर्म इज 1 बाय क्यू, पी एस टर्म दे रखी है आपके पास 1 बाय क्यू एंड क्यू एस टर्म दे रखी है 1 बाय पी, ठीक है, प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू यानी कि एस पी क्यू क्या होना चाहिए, 1 बाय 2 पी क्यू प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है, पी एस टर्म दे रखी है, यानी कि आपके पास ए पी दे रखा है 1 बाय क्यू एंड क्यू एस टर्म दे रखी है, ए क्यू इज 1 बाय पी, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास कोई ए पी जो सीक्वेंस वन दे रखी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, ए पी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 बाय क्यू, ए प्लस इसको इतना ही रहने दो, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस एन सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पी माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे देखो ए एन लेते हैं, तो ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए पी है तो पी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 बाई पी।
ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दीजिए, क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन बाई पी, ये गिवन हमारे पास। सेकंड दोनों को माइनस कर लेते हैं, दिस इज माइनस, ए से ए कैंसिल, दिस इज इक्वल टू पी माइनस वन, ये माइनस का साइन तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी, डी कॉमन रखेंगे दोनों का, और राइट साइड पे आ जाएगा वन बाई क्यू माइनस वन बाई पी, वन से वन कैंसिल, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, पी क्यू जो एलसीएम पी माइनस क्यू, ठीक है, एलसीएम लिया हमारे पास ये आ गया। देन पी माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू सॉरी डिवाइड बाय पी क्यू, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई वन बाय पी क्यू। डी की वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू पुट करके ए की फाइंड आउट कर लेंगे, वन बाय पी क्यू इक्वल टू वन बाय पी, ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, ए प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाय पी क्यू, वन से किया, दिस इज वन बाय पी, क्यू से क्यू कैंसिल, देन ये जो वन बाय पी बचेगा यहाँ से वन बाय पी से वन बाय पी कैंसिल, ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी वन बाय पी क्यू, डी की वैल्यू भी मिल गई, ए की वैल्यू भी मिल गई। अब आपको क्या दिखाना है कि सम ऑफ पी क्यू हमारा ये होना चाहिए, तो आप एस पी क्यू फाइंड आउट कर दीजिए, एस पी क्यू इज इक्वल टू एन बाय टू होता है तो एन की वैल्यू यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू बाय टू, टू इंटू ए, टू इंटू ए मीन्स ए की वैल्यू वन बाय पी क्यू प्लस एन इज अ पी क्यू, पी क्यू माइनस वन इंटू डी, एंड डी हमारा ऑल्सो वन बाय पी क्यू, ठीक है। पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाइए ऊपर वाले टर्म को, तो वन बाय टू पी क्यू अंदर लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा इससे, टू प्लस पी क्यू माइनस वन, और पी क्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये कॉमन निकाल के काट दीजिए, जो भी आप कर मन करे वैसे ही करो, ठीक है। वन बाय टू, टू प्लस पी क्यू माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन बाय टू पी क्यू प्लस वन, टू में से वन माइनस करेंगे पी क्यू प्लस वन, यही आपको शो करना था कि पी क्यू टर्म्स का सम वन बाय टू पी क्यू प्लस वन आना चाहिए। दिस इज द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पी, ये आपके पास ए पी गिवन है, इज 116, यानी कि इसकी जब नंबर टर्म्स का सम करें तो हमारे पास 116 आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ लास्ट टर्म बताइए इसकी, कि इस ए पी की लास्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। तो गिवन ए पी क्या है आपके पास, गिवन ए पी इज 25, 22, 19 up to 100, ए इज द फर्स्ट टर्म विच इज 25, डी इज अ कॉमन डिफरेंस 22 में से 25, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है माइनस 3, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि हम कितनी एन टर्म्स का सम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि एन टर्म का सम करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 116, तो एस एन इज इक्वल टू 116, हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। देन एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 116 वैल्यूज रख सकते हैं ए की और डी की, ए इज 25, 50 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। देन 2 को इधर ले जाइए, एन इंटू 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई ओपन कर देंगे, माइनस 3 एन प्लस 3 इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 116 की, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, एन इंटू 53 माइनस 3 एन, दिस इज 53 एन माइनस 3 एन स्क्वायर माइनस 232 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, 3 एन स्क्वायर माइनस 5 एन प्लस 232 इक्वल टू 0,
ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगी। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करें, देन इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3n-29 एंड n-8 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो आ जाएगी 29/3 एंड सेकेंड इज 8। 29/3 इज यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, तो इसको हम नहीं देंगे। वैल्यू हो जाएगी हमारे पास n की 8, यानी कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स है 8, 8 टर्म है। हमें बतानी थी लास्ट टर्म, अब इसमें n टर्म्स हम लेके चले थे कि इसमें n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म कौन सी बनी, nth टर्म बनी, ठीक है। तो nth और लास्ट टर्म हमने क्या, an इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 8 दे रखी है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे an की वैल्यू, मीन्स हम निकालेंगे a8th, जो आठवीं टर्म होगी वही इसकी लास्ट टर्म होगी, ठीक है। an होता है nth टर्म और हमें पता है कि इसके अंदर 8 टर्म है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि लास्ट भी टर्म हमारे पास आ जाएगी a8, तो हम a8 निकाल लेंगे यहाँ से। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 8 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। a इज अ फर्स्ट टर्म, ये फाइंड आउट करा कि हमने 25 प्लस 7 इंटू माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस दिस, ये आ जाएगा 4। क्वेश्चन 7 इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, द वोज केयर टर्म इज दिस, यानी कि आपके पास दे रखा है AK इज इक्वल टू 5K+1, ठीक है। यहाँ से आप AP फाइंड आउट कर सकते हो, पुटिंग K इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 up to 100, ठीक है। देन A1 फर्स्ट आपके पास आ जाएगा, K की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 into 1+1, 5+1 इज 6। A2 इज 5 into 2+1, 10, 11। A3 5 into 3+1, 15+1 इज 16, ठीक है। इस तरह से हम इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं AP की। वहाँ से हमें आ जाएगा फर्स्ट टर्म 5 into 4+1 21, तो इस चलते रहेंगे तो हमारे पास क्या बन रही है AP, AP इज़ A1, A2, A3, A4 up to 100, ये हमारे पास AP होती है। A1 की वैल्यू है 6, A2 इज़ 11, देन 16, देन 21 up to 100, तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी यहाँ से 6, ठीक है। एंड D इज़ डिफरेंस निकाल लीजिए, 11-6 इज़ 5, 16-11 इज़ 5, तो ये आ जाएगा D। हमें क्या चाहिए इसके अंदर, सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, तो आपको निकालना है SN। फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a+n-1 into d, n/2 2 into a, a इज 6, तो 6 into 2 इज 12, प्लस n-1 d इज 5, n/2 12 + 5n-5, सॉल्व कर लेंगे इसको, n/2 5, ये आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP इज PN+QN² वेयर PQ आर द कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए कि आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि आपके पास SN गिवन है, PN+QN², ठीक है। SN से हम निकाल सकते हैं टर्म्स A1, A2, A3, जो भी आपके पास टर्म्स होती है वो हम SN से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, SN का मीनिंग क्या होता है, SN इज अ सम ऑफ n टर्म्स, A1+A2+A3+up to so on, AN-1+AN, ये होता है SN, यानी हमने n टर्म्स का सम किया, कुछ इज SN, और ये हमें क्या गिवन है, PN+QN², ठीक है। यहाँ से हम n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, यानी हमारे पास जो SN है इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे। नाउ S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म का सम कर रहे हो दैट मीन्स ओनली A1 आएगी, क्योंकि S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म्स, और वन टर्म क्या बनेगी, स्टार्टिंग की
ए वन सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म होनी चाहिए ना, देन इक्वल टू यहाँ पे भी आप एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो पी इंटू वन प्लस क्यू इंटू वन स्क्वायर इज पी प्लस क्यू। एस टू मीनिंग ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीनिंग ए वन प्लस ए टू, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी पुट कीजिए एन की वैल्यू टू, तो टू पी प्लस टू स्क्वायर इज अ फोर क्यू, टू पी प्लस फोर क्यू। एस थ्री मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री रखेंगे तो थ्री पी प्लस नाइन क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ए वन की वैल्यू आ गई, ए वन प्लस ए टू ये वैल्यू है, यहाँ पे हम ए टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू दिस, तो ए टू की वैल्यू निकालेंगे टू पी प्लस फोर क्यू माइनस ए वन, और ए वन की वैल्यू क्या है पी प्लस क्यू, तो यह आ जाएगा टू पी प्लस फोर क्यू माइनस पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू टू पी में से पी माइनस करेंगे पी प्लस थ्री क्यू, ये आ जाएगा ए टू की वैल्यू। सेम टू सेम हम यहाँ से ए थ्री की निकाल सकते हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ से ए वन की वैल्यू रखिए पी प्लस क्यू, ए टू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया हमने ए टू की वैल्यू पी प्लस थ्री क्यू प्लस ए थ्री, और ये इक्वल टू है थ्री पी प्लस नाइन क्यू के, तो यहाँ से ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी, तो पी पी इज टू पी इधर लेके जाएंगे ए थ्री इज थ्री पी माइनस टू पी प्लस नाइन क्यू माइनस क्यू क्यू ऐड करेंगे फोर क्यू, तो ये आंसर आ गया पी प्लस फाइव क्यू, ये ए थ्री की वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें मिल गई फर्स्ट टर्म ए वन ए टू ए थ्री, ये हमारे पास ए पी, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है यहाँ से पी प्लस क्यू, एंड सेकेंड टर्म इज ए टू की वैल्यू पी प्लस थ्री क्यू, ठीक है। ए वन इज अ पी प्लस क्यू, ए टू की वैल्यू पी प्लस थ्री क्यू, ए थ्री की वैल्यू पी प्लस फाइव क्यू अप टू सॉन्ग, ये हमारे पास ए पी आ गई। हमें क्या चाहिए था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स हम यहाँ से निकाल देंगे ए टू माइनस ए वन डी हो जाएगा, ए टू की वैल्यू पी प्लस थ्री क्यू, इसमें से ए वन माइनस करेंगे तो माइनस पी माइनस क्यू, पी से पी कैंसिल थ्री पी थ्री क्यू माइनस क्यू इज अ टू क्यू, तो डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज टू क्यू, ठीक है। तो ये थे आपके पास आठ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.9.2, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।